नमस्कार, बराशर एकेडमी का साइंस का ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, कोर्स साइंस आप कंप्लीट करते रहें उसके लिए बेल आइकन दबा दें, घंटी वाला जो आइकन है दबाएं 30 सेकेंड लें और लाइक करके ज़रूर जाएँ प्लीज़। तो हमारा चल रहा था क्लास 9th का चल रहा था चैप्टर मोशन। क्या चल रहा था हमारा? मोशन चल रहा था। चैप्टर 9th में हम डिस्कस कर रहे थे मोशन। मोशन में हमने स्टार्टिंग से डेफिनेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं और हम पहुंच गए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पे पिछले वीडियो में मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पिछले वीडियो को आप देखें। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, अगर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड देता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। याद करो मैंने रिलेशन इसीलिए आपको समझाया था। क्या बताया था मैंने? अगर देखो दो एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस होता है, अगर मैंने वाई एक्सिस पे यहां पे क्या लिया? डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है, और यहां पे टाइम लिया, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा। इस केस में जो स्लोप होगा, मैंने बताया था कि स्लोप क्या होता है, हमेशा स्लोप होता है वाई अपॉन एक्स, यानी वाई पे जो है और एक्स में जो है, वाई पे क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है और एक्स पे क्या है आपका टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल है कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा उस केस में जो आपको स्लोप मिलेगा, ये जो ग्राफ की लाइन मिलेगी वो आपको क्या बताएगी? वेलोसिटी। तो स्टूडेंट ये हो गया, आज में कुछ न्यूमेरिकल पहले डिस्कस करके फिर उसके बाद मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल वही अगेन एनसीईआरटी फॉलो करता हूं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कैसे खुद से आप पढ़ सकते हो, कैसे सीख सकते हो पढ़ना, वो चीजें यहां पे आपको बताई जाएगी। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 103, 103 पेज पे क्वेश्चन है, व्हेन, पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कब आप बोलोगे कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है और कब बोलोगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कर रही है। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ आपका, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज है वो इक्वल निकल के आए, उस केस में आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलोगे। मैंने एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो से, आप देख सकते हो। फिर सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल और डिफरेंट इन डिफरेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल क्या हो इक्वल हो और दोस्तों आपकी चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग हो, उस केस में जो आपका एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। वेरी सिंपल, सब कुछ लॉजिकल है। साइंस में जब तक आप लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक साइंस पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और आगे चल के आप साइंस में साइंस पढ़ के अपना करियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, थेरेपिस्ट या बहुत सारे जॉब है, सबसे ज्यादा जॉब जो है वो साइंस फील्ड में ही है। तो मैं जनरली कहता हूं कि आप कोशिश करो कि साइंस पढ़ना सीख लो तो आगे चल के आपको करियर बनाने में, जॉब पाने में आसानी होगी। तो उसके लिए आप यहां पर ट्रेनिंग लोगे कैसे साइंस पढ़ना, वो मैं आपको बताते जाऊंगा।
सेकेंड क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे उसको डील करना है, आसान है, कैसे डील करना है। सबसे पहले पूछा क्या गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि एक्सेलरेशन क्या है। जब एक्सेलरेशन पूछा गया आपसे एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन से एसोसिएटेड चीज आप ढूंढो। एक्सेलरेशन से एसोसिएटेड चीज क्या होना चाहिए, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तीन चीजें, अगर तीन चीजें नहीं है तो फिर आप आगे सोचोगे। फिलहाल जब आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन में आपको तीन चीज ढूंढना है, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इन तीन चीज के बारे में सोचना है। ये तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो क्वेश्चन में पहला जिस वेलोसिटी चलना चालू किया है, मैंने कहा था आपसे कि न्यूमेरिकल में वेलोसिटी स्पीड दोनों सेम होता है। कहा गया कि 80 किलोमीटर पर आवर, और जिस वेलोसिटी लास्ट जो उसका फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ आपका 5 सेकेंड। जी हाँ, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। अब यहां पे चेक करना पड़ेगा एक स्टेप और, आपको क्या चेक करना पड़ेगा, टाइम सेकेंड में है और आपका जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो जब टाइम सेकेंड में हो तो वेलोसिटी को क्या करो आप, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो अगर वेलोसिटी आपका किलोमीटर, वेलोसिटी अगर आपका किलोमीटर पर आवर में है और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, देन किलोमीटर पर आवर में आप मल्टीप्लाई करो, किलोमीटर पर आवर में आप मल्टीप्लाई करो, किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 5/18 से, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो सब कुछ सिंपल है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, किलोमीटर मीटर में तब होगा 1 किलोमीटर, और इसको 1 आवर मान लो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो 5/18 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ये क्या, ये याद करने वाली चीज है, बिल्कुल नहीं है, लॉजिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, उसका रीजन मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो मैंने 80 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो ये मेरा निकल के आया 80 × 5/80, ठीक है, ये हमारा मीटर पर सेकंड में हो गया, और ये 60 × 5/80 यानी किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड में। सॉल्व करो, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो पहले 2 से 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, यानी ये निकल क्या है, 4/5 जो कितना होता है 200/9 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितना निकल के आएगा, फिर ये 9 और ये 30, क्या और कैंसिल होगा, जी हाँ कैंसिल होगा, 3 से ये 10 हो जाएगा, यानी ये कितना निकल के आएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। 200/9, अच्छा इसको चाहते आप, ताकि आपके कैलकुलेशन आगे इजी हो, तो इसको 9 में रहने देना, ताकि 9 और 30, तो ये कितना आ जाएगा, 150/9 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ताकि यहां भी डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है। ये तरीका है फटाफट कैलकुलेशन करने का। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा निकल क्या है 200/9 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारा निकल क्या है 150/9 मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी सेकेंड में। चलो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इक्वल टू क्या होता है, v − u/t, v कितना है हमारा, फाइनल वेलोसिटी, याद रहे जरूरी नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, कम भी हो सकता है। तो 150/9 माइनस इनिशियल कितना हो गया 200/9 डिवाइडेड बाय टाइम 5, 9 9, इसीलिए मैंने 9 छोड़ दिया था, एलसीएम 9, ये माइनस 50/, और ये 5 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, −50/45, ठीक है, कैंसिल करोगे निकल गया −10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, −10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका फाइनल एक्सेलरेशन निकल गया। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं, या तो रिटार्डेशन बोल सकते हो या डिसेलरेशन बोल सकते हो, रिटार्डेशन ही अच्छा वर्ड है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन कब होता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा, डे टू डे लाइफ में सोचो, आप कुछ स्पीड से चल रहे हो और जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो आपका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। स्पीड डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी आपकी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा और उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं।
तो ये तो हुआ हमारा न्यूमेरिकल सेकेंड। अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, या अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एन स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, पेज नंबर 103 पे ये सारे क्वेश्चन है। तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन ये इंपॉर्टेंट चीज है, और बताया गया कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है इन 10 मिनट, तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले वो क्वेश्चन में अगेन एक्सेलरेशन पूछा गया है, इनिशियल वेलोसिटी, काम हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और फाइनल वेलोसिटी, इन तीन चीज पर फोकस करने का। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो। स्टार्टिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होगा कि स्टार्टिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, अगर नहीं दिया जस्ट बोला जाए कि मोशन स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ये कहा गया कि 40 किलोमीटर पर आवर अटेंड कर लेता है स्पीड, और टाइम दिया गया आपका यहाँ पे 10 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है, टी इक्वल टू 10 मिनट। अब फिर वही काम, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो सेकंड में कन्वर्ट करने का मतलब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आया, 600 सेकंड निकल के आया, और इसको कितना हो जाएगा, 40 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व कर लेना, मैं सिंपली u माइनस v अपॉन t इक्वल टू a वैल्यू पुट कर देता हूं, आप सॉल्व कर लेना, u 0 माइनस ये कितना आ जाएगा 200/18 डिवाइडेड बाय 600, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, फाइनल वेलोसिटी कितना है, इस बार ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 200, हाँ v माइनस सही था ये, v माइनस u अपॉन t, तो ये 200/18 माइनस 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इस बार ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये तीन न्यूमेरिकल थे। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है बच्चों, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो आपके दिमाग में सीधा एक पिक्चर बनना चाहिए। सर ने कहा था कि टाइम जो है हमेशा क्या होता है, टाइम हमेशा जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, और जो दूसरा बच जाएगा वो जाएगा वाई एक्सिस पे। तो दूसरा यहाँ पे क्या बचा, दूसरा यहाँ पे बचा आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ये किधर होगा आपका, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम, इसके ग्राफ के बारे में हमें एनालिसिस करना है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या निकल के आएगा। अब देखिए एक चीज, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन प्लॉट किया ऐसे, अच्छा लेट सबसे पहले मैं एक ग्राफ ऐसे बनाता हूं। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, लेट अगर यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ही है, टाइम बढ़ते जा रहा है, यानी 1 सेकेंड पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक जब ऐसे हो तो ना समझ में आए तो फटाफट टेबल बना लिया करो। टेबल में क्या करोगे, दो चीज, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी हर बार क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां भी 10 है, हर बार वेलोसिटी कितना है 10 है आपका, और टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, कुछ भी अज्यूम कर लेना। अब वेलोसिटी चेंज देखो, वेलोसिटी चेंज क्या होगा, 10 माइनस 10 यानी 0/2 - 1, 1 यानी आपका एक्सेलरेशन कितना, 0/1 एक्सेलरेशन कितना निकल गया है, 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, यानी ये ग्राफ क्या बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका ये ग्राफ है, जिस केस में हमारा एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, ठीक है। तो बच्चों ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आपका एक ग्राफ है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ में एक चीज और, ये जो लाइन ग्राफ जो है इसके नीचे जो एरिया होता है, ये ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, लेट मान लो हम यहां पे टाइम इक्वल टू कितना है, लेट मान लो यहां पे टाइम इक्वल टू 10 सेकंड है, ठीक है, टाइम 10 सेकंड है, ये टाइम इक्वल टू 10 सेकंड और वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर, यानी ये जो है ये कितना है 10 है,
और ये भी कितना है आपका 10 है, यही हुआ। अब ये आपको दिख कैसा रहा, ये दिख रहा है एक रेक्टेंगल की तरह, कैसा दिख रहा है रेक्टेंगल की तरह। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहां पे लेंथ में क्या है आपका, ये हाइट मान लेते हैं, हाइट क्या है आपका वेलोसिटी है, और ये ब्रेथ आपका क्या है यहां पे टाइम है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम किसका फॉर्मूला होगा चेक करो, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान समझना मैं कहां लेके जा रहा हूं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलेगा ये आपको डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो एरिया अंडर कर्व है, यानी ये जो कर्व, कर्व यानी लाइन ग्राफ के नीचे की जो एरिया है, वो एरिया आपको हर बार क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। ये याद करने की जरूरत नहीं है, हमने ट्रिक लगाया है, रेक्टेंगल है, एरिया निकालने के लिए ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व, यानी जो आपका ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे जो भी एरिया होगा वो एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये ग्राफ ऐसे हो, या आप ग्राफ को चेंज कर दो, या ग्राफ आपका ऐसे हो, दोनों केस में ग्राफ ऐसे हो, दोनों केस में ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अब इस बार ग्राफ आपका ऐसे है, इस केस में भी जो आपको ये एरिया मिलेगा, ये एरिया अंडर कर्व, ये एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही देगा। एरिया निकालना है, क्या है ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये हुआ एक एक कंसेप्ट, ये हुआ हमारा दूसरा कंसेप्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कि एक और ग्राफ में प्लॉट करता हूं, फिर ध्यान देना, इधर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में रहेगा और इधर टाइम सेकेंड में रहेगा। अब इस ग्राफ में अगर मैंने ऐसी एक लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये ग्राफ मैंने बता दिया स्ट्रेट लाइन है, एज्यूम कर लो लेट ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ ही आपको क्या देगा, क्या निकलेगा, बोलोगे सर इस ग्राफ का मतलब, ये जो लाइन है, ये लाइन का मतलब क्या होता है, ये स्लोप बताता है, ये लाइन क्या बताता है आपको, स्लोप। और बोलोगे सर आपने बताया था कि स्लोप इक्वल टू हमेशा होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वाई में चेंज अपॉन एक्स में चेंज। तो वाई में चेंज क्या होगा, वेलोसिटी चेंज, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहां पे क्या है, वेलोसिटी है वाई में। और टाइम में चेंज क्या होगा, t2 माइनस t1, यानी टाइम में चेंज t। अब v माइनस u अपॉन t किसका फॉर्मूला होता है, v माइनस u अपॉन t फॉर्मूला होता है आपका एक्सेलरेशन का। तो बोलोगे सर कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। और ये याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर आज से आप बनाना चालू करते हो तो कल को आप नीट और IIT JEE की तैयारी करने जा रहे हो, या बार बाबा एडमिट रिसर्च सेंटर वहां अप्लाई कर रहे हो, नेस्ट का एग्जाम दे रहे हो, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, ये सब चीजें काम आती है। और यही पढ़ने का तरीका है जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो फटाफट अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है, स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और एरिया अंडर कर्व, यानी एरिया अंडर कर्व मतलब इस लाइन के नीचे की एरिया। अब इस केस में इस लाइन के नीचे की एरिया कौन सी हो जाएगी, इस लाइन के नीचे के एरिया इस बार ये हो जाएगी। तो ये एरिया आपको क्या देगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट। तो फिर वही अगले वीडियो में मैं न्यूमेरिकल के साथ जुड़ूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और फिर मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल, और उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके ग्राफिकल प्रूविंग। सो जुड़े रहें, देखते रहें, लाइक जरूर करके जाएं, गुरुदक्षिणा है, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।